हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है संडे और संडे को हम उठे थे सुबह, आलू के परौंठे खिलाए मेरी बीवी ने। अब परौंठे परौंठे और कॉफी खा पी के मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी। मेरे को आराम से 4-5 घंटे पढ़ना है, तो आज कोई काम नहीं है। व्लॉग भी ऑलमोस्ट नहीं, व्लॉग एडिट करना है, फाइनल करना है, बट अभी के लिए दिन में मेरे पास और कोई काम नहीं है। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, फुल कॉन्सेंट्रेशन है, मेरे को पढ़ाई करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक टेस्ट देना है। संडे को कीरत भी घर पे थी, तो उसको हर जगह से कॉल आ रहे थे, सबको पता है कि कीरत फ्री है, तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। तो मैं कहा मैं लाइब्रेरी जाके पढ़ता हूँ, 4-5 घंटे कॉन्सेंट्रेशन से बैठ जाऊंगा तो बढ़िया हो जाएगा। बस लाइब्रेरी पहुंच गए, गाड़ी को लगाएंगे चार्जिंग पे, एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। आज तो संडे, आज तो स्लॉट्स भी अवेलेबल होंगे गाड़ी चार्जिंग के, कम ही अवेलेबल है, ज्यादा निकाली। गाड़ी 6 घंटे में फुल चार्ज होगी, बट हम 4 घंटे में निकल लेंगे। लाइब्रेरी भी जो है हमारी वो 5 बजे तक बंद हो जाएगी मोस्ट प्रोबली, तो हमारे पास 4 घंटे ही हैं, 1 बज रहा है भी। दोस्तों मुझे लगता है अब टेस्ट की तैयारी हो ही गई है मोटी मोटी, अब मैं थोड़े टाइम में बुक कर सकता हूँ टेस्ट। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वेरी एंग्शियस, थोड़ा सा ऐसे नर्वसनेस भी हो रही है कि टेस्ट बुक कर दूँ, होगी तैयारी की नहीं। थर्ड फ्लोर पे आऊँ, थर्ड फ्लोर पे तो वाटर फाउंटेन ही नहीं है। इनके स्टाफ से पूछा, कह रहे हैं कि शायद है ही नहीं यहाँ पे, बट ऐसा तो हो नहीं सकता, लाइब्रेरी में वाटर फाउंटेन तो होगा, सेकंड फ्लोर पे जाके देखते हैं। तुम गए हो क्यों रात बाकी। अभी मैं बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर के हस्बैंड से मिला, फाइनली ही इज डूइंग द सेम कोर्स। तो हाय अंकित, लवली मीटिंग यू। तो मैं और अंकित बात कर रहे थे कि ऐसे पढ़ाई है, ऐसे पढ़ाई है, ऐसे पढ़ाई है, तो बड़ा मेरे को तो बड़ा अच्छा है। तो ये तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे दबा दबा के वेट करूँ कि जाके दे दीजिए। चलो दोस्तों घर चले। तो मैं अंकित से यही बात कर रहा था, मैं कहा भाई जो एग्जाम में आएगा वो मैं तुझे बता दूंगा, जब भी होगा जो तेरा एक्सपीरियंस है वो तू मुझे बता दियो। एक्चुअली क्या रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर आए, मतलब हम दोनों पढ़ रहे थे तो दोनों को पता लगा दोनों सेम ही चीज पढ़ रहे हैं। जिंदगी में पढ़ाई अभी शुरू हुई है ना, चिल्स हो गए मुझे, चिल्स। नॉट की कितना डिफिकल्ट है, जस्ट फॉर द नर्वसनेस क्या होगा, एग्जाम दूं और ये बर्डन खत्म हो जाए, फिर मैं आपको बोलूंगा। जितने लोग एग्जाम पास कर लेते हैं वो कहते हैं बहुत आसान है, जितने लोग रह जाते हैं वो किसी को बताते नहीं। तारे तार अब तरा। सोशल प्रेशर सोचो कितना ज्यादा होता है हम पे, बताए थे आपको कर रहे हैं तराई, कल को हो जाए तोते उड़ जाए तो कहे अब क्या हुआ। बट एनीहाउ, जितना अपने हाथ में तो मेहनत करना है यार, बाकी आपकी दुआएं आपका प्यार है साथ रहेगा, बुरी नजर वाले तेरा। और बताओ दोस्तों क्या ही बताओगे आप, क्या ही बताओगे, भूख लगी है बहुत ज्यादा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था तो भूख लगने लगी, तो एक बिल्कुल क्वाइट एक होता है जहाँ पे बाहर सारे बैठते हैं वो भी शांति वाला ही होता है, बट एक होता है अंदर स्टडी रूम, वो तो बहुत ही खतरनाक शांति का है। तो मैंने टेस्ट देते देते ऐसे एप्पल खोल लिया, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे जैसे एड में नहीं एप्पल खोलते ऐसे खाचा, इतनी जोर की आवाज आई होगी जब मैंने एप्पल खोला होगा। दैट वाज क्वाइट एम्बैरेसिंग फॉर मी एंड डिस्टर्बिंग फॉर एवरीवन एल्स। इन दोनों को कहा था कुछ काम कम कर लेना। ये देखो सोतड़ो कहीं के, तू उठी नहीं सारा दिन, बॉडी उठी नहीं रही। हे कारी सीरियस हो का, मुझे लगा कुछ कर रही होगी काम शाम, कंटेंट वगैरह बना रही होगी अपने चैनल के लिए। कल अगर छुट्टी लेनी तो अपने ऑफिस की छुट्टी लियो। मैं कीरत को बता रहा था, जिसको नहीं पता आप भी सुन लो, जो पोकेमोन कार्ड्स आते हैं जो यूएस और कनाडा में और यूरोप में आते थे, अलग अलग पोकेमोन कॉस्को में भी आजकल मिलते हैं, $50 में 50 मिलते हैं, $1 का एक आ गया, अलग अलग पोकेमोन होते हैं, मतलब कुछ भी निकल सकता है। सो यू आर नॉट वेरी श्योर, बट 50 कार्ड में एक तो पिकाचू निकलेगा नहीं, पिकाचू तो बहुत रेयर है, तो वन ऑफ द रेयरेस्ट कार्ड, क्योंकि पिकाचू को लोग बहुत पसंद करते थे, वो मेन शो था, तो वो प्रिंट ही बहुत कम हुए थे। पिकाचू का अभी कार्ड बिका कितने का बिका, $5.3 million $5.3 million मैं लोगों को खरीदा, लोगों हाँ, जो प्राइम का सीईओ है, फाउंडर है और यूट्यूबर है। बेसिकली मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि प्राइम क्या है, प्राइम बाबू जो ड्रिंक्स के जोर जोर
चलती है, ब्लैक में बिकती है जो, मतलब नॉर्मल इंसान तो यार मैं नॉर्मल इंसान में लेता हूँ मेरी बहन को, मेरे पेरेंट्स को एंड कीरत की मम्मी को, और मैं गौरव को भी लेता हूँ उस नॉर्मल इंसान में, कि नॉर्मल इंसान तो आज की डेट में सोच ही नहीं सकता कि भाई कैसी कैसी चीजों की वजह से कितने कितने बिजनेसेस चल रहे हैं। ये क्या करते हैं लोग, खरीदते हैं तो वो जो पता नॉर्मल में आते हैं, हमें कौन सा पता होता है। तू होगी नॉर्मल, मैं तो ऐसे ही सारी खुराफाती चीजें देखता रहता हूं कि भाई ऐसे अभी कर नहीं पा रहे हैं। करने और नॉलेज की बात अलग है, मैं तो सारे बिजनेस थोड़ी हम कर लेंगे, लोग तो पता नहीं जूतों से कमा रहे हैं, सबसे कमा रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। बट जैसे शूज में एयर जॉर्डन में कितने कितने लोग प्रॉफिट रहते हैं, 10,000-20,000 डॉलर कमाते हैं। बहुत ही बड़ी लॉटरी है जिसकी पिकाचू निकल गया, मुझे कल ही चाहिए जाके, मैं लेकर आती हूँ। तो सारे डब्बे खोलेगी तो भी नहीं निकलना, इतनी इजीली नहीं मिलता बाबू। एनी हाउ मुझे तो ये बता कौन सा कार्ड अप्लाई करना है, मैं कीरत से ये भी डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या है हमें टोरंटो जाना है तो हमारा ट्रैवल कार्ड था वो दोबारा से रिन्यू करवाना है, या फिर वो करवाएंगे ठीक है, उसमें भी पैसे काफी लगने हैं, $700 टाइप्स लगेगा, या फिर कोई और कार्ड लेना होगा, और अभी कभी खर्चा आ रहा है $4,000 का। तो जब भी कोई नया कार्ड लेते हैं हमें तो जनरली वो ऐसा होता है कि आपको मिनिमम इतनी शॉपिंग करनी पड़ती है, उस हिसाब से मैं नया कार्ड पसंद करता हूँ। तो जो मैं कार्ड देख रहा हूँ उसमें मेरे को 3 मंथ्स में अराउंड $10,000 खर्चना पड़ेगा ठीक है, तभी उसके पॉइंट्स मिलेंगे मुझे ढेर सारे। वो $10,000 में मैं ये सोच रहा हूँ कि $4,000 तो टेस्ला की इंश्योरेंस होगी वो निकल जाएगी, मम्मी पिताजी जब आएंगे तो $2,000 तो मम्मी की टिकट हो जाएगी, तो $6,000 तो ये निकल गए, और हमारी टोरंटो की टिकट, टोरंटो की टिकट तो फ्री में हो जाएगी पॉइंट से। हमने आईकिया का ये सब कुछ करना है, आईकिया का बेड हो जाएगा 500, तो 6,500 तो ऐसे हो गए, 3,500 तो 3 महीने में ऐसे खर्चे हो जाएंगे। कॉस्को की ऑनलाइन जब हम शॉपिंग करते तो अमेरिकन एक्सप्रेस से खरीद सकते हैं, गोल्ड कॉइन खरीद लेंगे, क्रेडिट कार्ड तो वो कर सकते हो, अमेरिकन एक्सप्रेस का मेरे को देखना पड़ेगा। अगर तो ये हुआ कि कॉस्को पे अमेरिकन एक्सप्रेस चल रहा हो ऑनलाइन तो 3,000 की 3,200 की गिननी है वो ले लेंगे, फिर पॉइंट्स मिलेंगे। पॉइंट्स पता कितने मिलेंगे, ये $10,000 अगर मैं खर्चता हूँ जो मैंने वैसे भी खर्चे नहीं थे, तो हमें पॉइंट्स मिलेंगे अराउंड 60,000 पॉइंट्स। उस 60,000 से मैं थोड़े टाइम बाद की वैंकूवर से पेरिस की टिकट आना जाना फ्री में करवा सकता हूँ। सो यू हैव टू थिंक लाइक दैट, आप में से भी कोई है जो से सोचता है, सो प्लीज 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 हमेशा बोलता हूँ क्रेडिट कार्ड वगैरह जरूर चेक करते रहो और देखो कि कौन सा पॉइंट है, और एक बार ना प्लान करो कि यार मेरे 3 महीने बाद 4 महीने में क्या क्या खर्चे हैं। हम नॉर्मल बंदे ये सब खर्चते ही हैं, जैसे आपने भी गाड़ी की इंश्योरेंस लोगे, कोई भी बंदा होगा कनाडा में उसे गाड़ी की इंश्योरेंस तो लेनी है, तो $2,000 साल की लेके $3,000-4,000 तक की इंश्योरेंस होती है, हमारी पड़ रही है $3,800। अब मम्मा ने आना है, मतलब इनमें से ये सारे खर्चे आपको वो बोले गिनाए मैंने जो हमारे होने ही होने हैं, सिर्फ गिननी है वो भी मेरे को एज ए इन्वेस्टमेंट करनी है। $1,000-1,000 तो वैसे आप खर्च देते हो यार, इसको देखो। कीर्ति इज नॉट फीलिंग वेल दोस्तों, हम वो पी रहे हैं चाय अदरक वाली, अदरक डाला, इनको पता था, इनको दिख रहा है, तो अगर मैंने बोल दिया तो अज्यूम करने देते, मेरे को बताना ना नहीं डाला, तुलसी यार वो डाली है। अब हमें कैसे पता कि तू झूठ बोल रही है, तुलसी हो सकता है ना हो, डाली है हमें कैसे पता, मैं बता रही हूँ तो मैं भी तो बता ही रहा था इनको कि अदरक है, अदरक नहीं है बट मैंने बताई है, तो ऐसे मैं भी बता रहा हूँ। क्वाइट दोस्तों, क्वाइट बिल्कुल, क्वाइट बिल्कुल, अगर तू बोला और मेरी बेइज्जती हुई सबके आगे तो देखियो। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह से मैं आपसे हेलो हाय ही नहीं कर पाई क्योंकि मेरी ऑन ऑफ चल रही थी तबीयत, आई डोंट नो मतलब कि कोई फीवर वगैरह नहीं है, नथिंग एल्स। गुड बॉय। तो मैं आपको बता रही थी कि सुबह से मेरे को वीकनेस इतनी ज्यादा फील हो रही थी, अगर मैं बताऊंगी ज्यादा तो मेरी मम्मी को ज्यादा टेंशन हो जाती है, मैं मुक्के, आई डोंट हैव एनी फीवर, इट्स जस्ट वीकनेस इन द बॉडी, आई थिंक द वीकनेस इज, क्या हुआ इतनी तो लाउड बोल रहे हैं, और लाउड बोलो, आई थिंक द वीकनेस इज बिकॉज मेरे पूरे हफ्ते की इतनी परेड हो जाती है, तो वीकेंड पे मुझे ऐसा होता है रिलैक्स होता है। और हम जा रहे हैं मंदिर, यस, शिव जी को बोलने के लिए हेलो हाय, कैसे हो आप, लव यू, जी का भी साथ में आया है, ही इज गोना सिट इन द कार एंड प्रे, वी गोना गो टेक माथा प्रे। मैं सोच रहा था क्या बोलते हैं घर में एक दो दिन पहले बोल रहे थे ना समोसे खाने को, तो उसके लिए समोसे पिक कर लेते हैं। ओह गोना ईट टू, आज मैंने बहुत खाया, मेरा तो पेट फट रहा है। सुबह मैंने बनाए पराठे, पैर को मैंने खाया राजमा चावल, फिर मैंने बीच बीच में खाली गोलगप्पे खाए हैं। तनीषा और हर्ष को भी दे देते समोसे, सारे ऐसे खुश होते, इमेजिन करो गर्मा गर्म समोसे आपको ऐसे रैंडमली मिले, मतलब कि हाय वो घर पे ना है बाबू हमारा, नथिंग हैपनिंग गोइंग ऑन, क्योंकि घर तो हो सकता है ना समथिंग हैपनिंग गोइंग ऑन, इस चक्कर में मैं 2 समोसे ना लूं, दे लो, इतनी एडवेंचरस फन है ना कीरत गाइस, क्या ही बताऊं मैं आपको। कल भाई सोलर इक्लिप्स है, घर बैठ जाओ सारे, अपने सूर्य की तरफ मत देखना अपना वो लैपटॉप। कल तो दोस्तों आई एम वेरी सॉरी आई वोंट बी एबल टू टेक यू गाइस अराउंड ड्यूरिंग लंच टाइम, बट शायद आफ्टर ऑफिस आई विल टेक यू गाइस अराउंड। हाँ टिक के बैठ तो भी सोचो आफ्टर ऑफिस तू आ जाए मेरे पास, या ना बाबू मैं पहले जहाँ पे हूँगा वहाँ से तेरे पास आऊंगा, 1 घंटा लगेगा उसके वापस, 1 घंटा ना सॉरी
कांट डू वीडियोस। तू अगर मेरे पास आएगी तो तेरे को भी बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि मैं तेरे से एक घंटा पहले फ्री हूँगा। अगर तेरे को शॉपिंग करनी है रिचमंड में तो तू आ सकती है। कल गाइस मेरे कहीं सुबह से निकलने का प्रोग्राम है, आपको कल के ब्लॉग में पता लगेगा। कल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, एंग्जायटी भी हो रही है, जो मैं हूँ मुझे ही पता है। Can you believe? By the way, मैं तेरे को बताना चाह रही थी, मैं ना मेडिटेशन के रिगार्डिंग एक वो देख रही थी, वीडियो देख रही थी। कि मैं कोई और बात कर रहा था, आपने कोई और शुरू कर दी। सर ऐसे ऐसे कोई इतनी शरीफ है नहीं। सॉरी सॉरी हाँ बता। नहीं नहीं मेरी बात खत्म हो चुकी है। ऐसे करके वो देख रही थी, तेरे लिए भी देख रही थी, अपने लिए भी देख रही थी कि अलग अलग मेडिटेशन जैसे होती है, काम डाउन वाली अलग होती है, एंजाइटी अलग, मुझे तो एक ही पता है, हैप्पी अलग होती है, काम डाउन काम डाउन। तो मैं वो देखते देखते सुनते सुनते उसके बाद फिर मैं एक और व्याख्या सुनने लगी थी, सुनते सुनते मेरे को नींद आ गई। नींद में भी आई वॉज एट अ कैंप वेयर दे वर टीचिंग अस हाउ टू मेडिटेट। ओ माय गॉड फियांशु, मेरे को सपने में ही मैं मेडिटेट कर रही थी और आई कुड फील दैट हैप्पीनेस एंड ब्लैंक थिंग इन द सपना। इंसेप्शन नहीं देखी ना मूवी? नहीं। आज तो देख ले, तू मेरी घर के लियोनार्डो डिकैप्रियो है। मंदिर से आगे गए, ये इतने टाइम बाद खाया है ना मैंने, ये पता नहीं क्या बोलते हैं। नहीं नहीं बहुत मीठा है। सॉरी चिकू, इतना सा दे देते। चिकू बैठा हुआ था गाड़ी में, गए इतना दे दो। चिकू प्रसाद है, खा लो। चिकू का फर्स्ट मीट है क्या? द्वारा का दिया मैंने, खाने नाक पे लग गया छोटा ज्यादा ही था। गाड़ी के कोई आस पास से चल जाए, इतना भौंकता है। चिकू क्वाइट, चिकू टेडी टेडी आ गया, टेडी पर जाने। तेरे बेटे ने जीना हराम कर दिया, सच में जीना। हाँ यही चाहिए था मुझे, इतना चिल्लाया है, क्वाइट भी नहीं बोला। अरे चिकू मैं तो फिर थकार के पीछे रखा इसको, काटरे को आया हुआ कि मैं को छोड़ दो, गाड़ी के आसपास मेरा गया कौन। तो प्लेन च लेके जाना तेन, मैं आए ना करेगा। ये नहीं प्लेन में बैठेगा, ये देख, ये तो पायलट को कह दिया मेरे प्लेन उड़ाना, पापा उड़ाएंगे, मेरे पापा बेस्ट ड्राइवर है। भोंक भोंक के गए, आंखें बंद करके बैठा हुआ है, अभी बीच में खोल रहा है, बीच में बंद कर रहा है। देखो 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 देखो, बस गाड़ी के आसपास कोई नहीं तो ठीक है। बहुत ही चीकू खतरा है मैं लोगों का, अगर तू ना भोंके लिटरली कह रही है। देखो आंखें कैसे है, कितनी नींद है, मैं तो अपना काम कर रहा था, दिहाड़ी दो मुझे। रात के बज रहे हैं 10:45, कुकू का मूड है ऑफ। कुकू भैंस करके हटी है मिसेस गिल से, बड़े ही टुच्चे टॉपिक पे गए, इसे लेट गो किया ही नहीं। मिसेस गिल कुछ अपना समझा रहे थे, ये कुछ अपना समझा रही थी, और फिर मैंने इसको आगे बोला क्यों लड़ रही है, छोटा टॉपिक आ गया। कहती मेरी मम्मा से मैं बात कर रही हूँ। अगर जब ऐसे मेरी मम्मा से मैं बात कर रही हूँ, ये वाला कार्ड प्ले कर दिया है, तो उसके बाद मैं चुपचाप साइड में पतली गली से निकल गया गाइस। वापस भी थोड़ी देर बाद आया, मैंने कहा अगली बार मेरी मेरी मम्मा से बहस होगी ना, तो मैं भी ये बोलूंगा मैं अपनी मम्मा से बात करूँ, लेट मी टॉक। इतना हेडेक होने लग गया मेरा, तू इतनी जोर जोर की बोल रही थी, भारी हो गया मेरा, कान लाल हो गए इसके। अब क्या कर रही है वो बना रहे हैं? नहीं बाबू, नाउ इट्स टू लेट, लेट्स गो टू स्लीप। नहीं नहीं मेरा भी दिल है खाने का। ओके मैं बोलूं और कोई व्लॉग देखो ना देखो, कल का व्लॉग जरूर देखना, मैं इतना ही बता सकता हूँ आज। धीरे धीरे कैसे अपने पार्टनर का पता लगता है, तो की रहता सॉलिड इरिटेट चल रहे हो, मैं से बात करो कि तेरी क्या बात हुई, तो मैं वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक हर फील अ लिटिल नॉर्मल। मैं ड्राइंग रूम की उस साइड और कीरत इस साइड किचन में खड़ी होकर बात कर रही थी, और गुस्से में बोल रही, मैं तूने पानी पिया? कहती हाँ पी रही हूँ मैं, ऐसे करके। मैं कहा तू गुस्सा है? कहती नहीं हूँ गुस्सा। मैं कहा अगर मैं आके भी किस करूंगा तो तू कैसे गुस्सा होएगी? ठीक है, तो कहती नहीं होंगी। हाँ वैसे होंगी, उधर ही रह। अगर आपने सेवियां नहीं बनाई तो आपके साथ भी यही होगा। FYI सेवियां को हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट फिर भी हमारे बीच में बातें नहीं गली। एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बात बताता हूँ, जो कीरत और मिसिगल की बहस हुई थी, तो वो तो कीरत को बिल्कुल मतलब भूल चुकी है, बट कीरत को कुछ समझाने के चक्कर में मेरी और कीरत की बहस हो चुकी है। किडिंग गाइस, कुछ बहस नहीं थी, ये हंसाने का तरीका है। डाला मैंने वो दूध शुगर पर डाली, तो डाली नहीं वो डाली है, गुड़ डाला। मैं कह रहा हूँ ये खा पी के बेहोश होकर सोएंगे। ओ बाय द वे सारी बातें छोड़ो, आपको एक सेक्सी सी चीज दिखानी है। कॉस्को से लेके आए थे गोलगप्पे के 3 डब्बे, $8 के थे, सस्ते भी थे बट गुड क्वालिटी गोलगप्पे। पानी अलग से लेना पड़ेगा, पर मैं आपको दिखा दूं। पता है मैं तो छोटे थे, लोगों को पता नहीं ना कि कीरत में कितना गुस्सा है। शांत भीम, मैं तो चाहती हूँ शांत हूँ, शांत कीरत में कटोरी फेंक देनी है। शांत कीरत, शांत क्यों रही हो रहा, रिलैक्स, यू डोंट नीड टू लूज योर टेंपर। टेंपर लूज करना इज द वेरी बैड थिंग। इतना स्वाद कीरत ने बनाया गाइस, थैंक यू सो मच।
और हम देख रहे हैं द मूवी द फाउंडर। मुझे लगा इस बंदे ने शुरू किया था मैकडॉनल्ड्स, बट ये थे फाउंडर्स। तो मैं स्टोरी देख रहा हूँ मूवी द फाउंडर। अभी हुए 14 मिनट, जिसमें 2-3 मिनट तो स्टार्टिंग था, बट मूवी बहुत फाड़ लग रही है, फीलिंग आ रही है फॉर एंटरप्रेन्योर्स। बाय बाय एवरीवन, अब लगे हैं हम सोने, कल सुबह जल्दी उठें। 5 o'clock.